हेलो स्टूडेंट्स, 8th क्लास में थर्ड पोइम जो चल रही थी हमारी मैक्विटी अ मिस्ट्री कैट, उसका सेंट्रल आइडिया करवा दिया था आपको और उसके चार क्वेश्चन भी आपको बता दिए थे। ये यहाँ तक, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मिस्ट्री कैट, मिस्ट्री कैट का दूसरा नाम क्या था, तो वो यहाँ तक आपको लेसन ये क्वेश्चन करवा दिए थे। तो आज हम नेक्स्ट जो दो तीन क्वेश्चन रहते हैं वो करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज़ मैक्विटी मूव, कि मैक्विटी कैसे मूव करता है, कैसे चलता है। मैक्विटी मूव्स वेरी फास्ट, ही मूव्स मच फास्टर इवन द पुलिस। ये दा दो बार लिखा गया है, एक बार ही लिखना है आपने, ठीक है। तो मैक्विटी मूव्स वेरी फास्ट, कि मैक्विटी जो है बहुत जल्दी चलता है। ही मूव्स मच फास्टर इवन द पुलिस, और वो क्या है, इतना तेज चलता है कि पुलिस के भी पकड़ में नहीं आता, मतलब वो पुलिस से भी तेज चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रीच द क्राइम सीन एंड हु इज़ नॉट फाउंड, कि क्राइम सीन पर, जहाँ पर क्राइम होता है, जहाँ पर अपराध होता है, उस जगह पर कौन पहुँचता है, एंड हु इज़ नॉट फाउंड, और कौन नहीं मिलता है वहाँ पर। तो वो जो पुलिस पहुँचती है और कौन नहीं मिलता है वहाँ पर, मैक्विटी जो क्राइम करता है, अपराधी जो है वो नहीं मिलता है वहाँ पर। तो ये इसका आंसर देखिए क्या है, द स्कॉटलैंड यार्ड रीच द क्राइम सीन बट मैक्विटी इज़ नॉट फाउंड देयर। द स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड को लंदन की पुलिस को बोला गया, स्कॉटलैंड यार्ड रीच द क्राइम सीन, क्राइम सीन पर पहुंचते हैं वो और वहां पर मैक्विटी नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मैक्विटीज फिजिक, कि हमें जो है मैक्विटी जो क्रिमिनल है उसकी फिजिक के बारे में बताना है, शारीरिक संरचना के बारे में बताना है, जो पोएम में आई है उसकी, कि उसका वो बहुत लंबा और पतला है, उसकी आंखें जो है अंदर की तरफ धंसी हुई हैं, और उसका जो सिर है वो बहुत गुंबद जैसा है, वगैरह वगैरह। तो ये आप आंसर देखिए क्या है, मैक्विटी इज़ वेरी टॉल एंड थिन, हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड एंड हिज आईज आर सकन इन, ही नेवर कॉम्ब्स हिज विस्कर्स एंड डस्ट हिज कोट, ही स्विंग्स हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड लाइक अ स्नेक। क्या बोला गया इसमें, मैक्विटी इज वेरी टॉल एंड थिन, कि मैक्विटी बहुत लंबा और पतला है, हिज हेड इज हाईली डोम्ड, कि उसका जो सिर है वो कैसा है, गुंबद जैसा है, मतलब उसका सिर जो है लंबा है ऊपर से, एंड हिज आईज आर सकन इन, और उसकी आंखें जो है अंदर की तरफ धंसी हुई है, ही नेवर कॉम्ब्स हिज विस्कर्स, और उसने अपनी विस्कर्स क्या होते हैं, मूंछे, कि वो अपनी मूंछों को कभी भी कॉम्ब नहीं करता है। कॉम्ब क्या होता है, कंघी करना, कि अपनी मूंछों को कभी भी कंघी नहीं करता है, एंड डस्ट इज कोट, और उसकी खाल पर क्या है, जो मिट्टी लगी हुई है, कोट पर मिट्टी लगी हुई है, ही स्विंग्स हिज हेड, कि वो अपने सिर को हिलाता रहता है फ्रॉम साइड टू साइड, एक साइड से दूसरी साइड, लाइक अ स्नैक, जैसे स्नैक ऐसे ऐसे चलता है ना, तो वैसे ही वो अपने सिर को इधर से उधर हिलाता रहता है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, इसके साथ ही आपकी पोइम भी कंप्लीट हो गई है। आप अच्छे से इसको रिविज़न कर लीजिएगा इसकी, और क्वेश्चन लिख के देख लीजिएगा लर्न करके। थैंक यू।